पंजाब में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में कैप्टन सरकार ने कुछ संशोधन किए और उन्हें लागू कर दिया। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में भी संशोधनों की उम्मीद जग गई है। पिछले कुछ समय से संशोधन को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष चल रहा था, जिसके बाद कर्मचारियों को राहत मिल गई। अब हिमाचल के कर्मचारियों को भी उम्मीद बंध गई है, खासकर डॉक्टरों के एनपीए के मामले में, जिसमें कटौती करके इसे भत्ता बना दिया गया है। पंजाब ने अपने सचिवालय कर्मचारियों के वेतन में इसे बहाल कर दिया है, जबकि वेतन आयोग की सिफारिशों में इसे भत्ता बना दिया गया था और यह वेतन का हिस्सा नहीं था। इससे कर्मचारियों को 400 से लेकर 4000 रुपए तक मासिक नुकसान हो रहा था। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी वित्तीय नुकसान था। इसे लेकर संघर्ष हुआ और हिमाचल के कर्मचारी भी पंजाब में जाकर वहां के कर्मचारियों के संघर्ष में जुड़े। अब क्योंकि इसे पंजाब में बहाल कर दिया गया है, तो यहां पर भी बहाल होने की उम्मीद है। एनपीए बना डॉक्टरों की सैलरी का हिस्सा, डॉक्टर एनपीए को लेकर काफी संघर्ष कर रहे थे, जिसके बाद अब पंजाब में एनपीए 20% किया गया है। लिहाजा हिमाचल के डॉक्टरों को भी उनके वेतन के साथ एनपीए जुड़कर मिलेगा, जिससे उनको लाभ होने की संभावना है। हिमाचल में पहले ही ये 25% के हिसाब से दिया जा रहा है। इसे अगर ऐसा समझा जाए कि किसी डॉक्टर की तनख्वाह 1,00,000 है, तो 25% एनपीए के साथ सैलरी 1,25,000 हो जाएगी। ऐसे में डीए भी उन्हें सैलरी पर ही मिलेगा, जिससे उन्हें लाभ होगा। अभी 28% डीए कर्मचारियों को दिया जाना है, केवल 6% दिया जा रहा है।